हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएसक्यूबटेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर टूल्स को। यस, मेजर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि मेजर या मेजरमेंट किस तरह से किया जा सकता है। आपके पास जो भी ड्रॉइंग्स है, उस ड्रॉइंग के अंदर आप जो भी कमांड यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने ड्रॉइंग कमांड यूज किया, ड्रॉइंग कमांड के अंदर आपने बेसिकली लाइन कमांड को यूज किया, सर्कल कमांड को यूज किया, और यहाँ पर आप बात करना चाहे तो पॉलीगन्स को यूज किया। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, रेडियस को, या फिर बात करा जाए उसके एरिया को किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है, तो बेसिकली हम यूज करते हैं मेजर कमांड। यस, मेजर टूल्स का यूज करते हैं यहाँ पर। मेजर कमांड देखिए, इसका नाम से पता चल रहा है मेजर। देखिए, मेजर से यूज होता है मेजरमेंट करना। देखिए, मेजर कमांड का यूज हम बेसिकली एकदम पहले भी कर चुके हैं जब हमने बात की थी यहाँ पर ड्राइंग की। यस, यहाँ पर ड्राइंग टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ड्राइंग टूल्स के अंदर हमने मेजर को यूज किया था। वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था वहां पर मेजर टूल्स के, आपके पास कोई भी लाइन की लेंथ हो उसको यहाँ पर क्या कर रहा था, इक्वली पार्टीशन कर रहा था। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इस मेजर वाले कमांड की, तो यहाँ पर क्या करता है, किसी की भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर आपको लेंथ को मेजरमेंट करना है। बेसिकली लेंथ को मेजर करना है, या डिस्टेंस को मेजर करना है, या फिर सेंटर को मेजरमेंट करना है, सर्कल के रेडियस को मेजरमेंट करना है, तो बेसिकली मेजर कमांड का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर यूज करने के लिए यहाँ पर जो इसका शॉर्टकट कमांड है वो MEA एंटर है। जैसे ही आप MEA एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, रेडियस को मेजरमेंट करना चाहते हैं, एंगल को मेजरमेंट करना चाहते हैं, एरिया या वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करना चाहते हैं, वो सब आपसे पूछे जाएंगे। फिर आप उसमें से जो भी चीज आप उससे मेजर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन बेसिकली देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ वो ये है डिफरेंस। देखिए, आपके पास जो डायमेंशन टूल था, यस, डायमेंशन टूल के थ्रू आप क्या कर रहे थे कि आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट था, जैसे कि आपके पास लाइन है, उस लाइन की डायमेंशन को मेजर करना है, तो आप उस लाइन की डायमेंशन को वहां पर यूज करते थे डायमेंशन टूल की हेल्प से। लेकिन डायमेंशन जो टूल है आपके पास, वहां पर क्या कर रहा था, वो परमानेंटली उसको क्या कर रहा था, डायमेंशन दे रहा था। लेकिन यहाँ पर मेजर कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन को तो मेजर कर सकते हैं, बट यहाँ पर उसे परमानेंटली नहीं रख सकते। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आपको ड्रॉइंग बना रहे हैं, ड्रॉइंग बनाते बनाते आपको यहाँ पर लगे कि आपको यहाँ पर किसी ड्रॉइंग की जो लेंथ है, यस, कोई लाइन की लेंथ है, उसको मेजरमेंट करना है, बट आप उसे परमानेंटली नहीं रखना चाहते, बस आप उसे देखना चाहते हैं कि वो लाइन की जो लेंथ है वो इतनी आई है या नहीं आई है बेसिकली। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मेजर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मेजर कमांड के थ्रू आपने जो भी यहाँ पर लेंथ को मेजरमेंट किया है वो आपके पास परमानेंटली नहीं रहने वाला है, बस वो आपको क्या है, एक बार शो करने के लिए कि आपने यहाँ पर शो किया, बस यहाँ पर दिखी आपको, यस, आपने देखी कि आपने यहाँ पर जो लाइन बनाई है वो यहाँ पर करेक्ट है या नहीं है, फिर आपने उसको शो करने के बाद आप उसे स्टॉप कर सकते हैं बेसिकली। क्लियरली आपको समझ में आ चुका। लेकिन डायमेंशन कमांड का यूज के थ्रू आप जो भी डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं वो वहां पर क्या होता है, परमानेंटली आ जाती है। आप उसे फिर क्या करना पड़ता है, वापस को डिलीट करना पड़ता है, तो फिर वहां से वो डिलीट होती है, नहीं तो वो जब तक हमारे पास जो हमारे पास वर्किंग एरिया रहेगा तब तक आपके पास क्या रहेगी, वो परमानेंट रहेगी। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा डायमेंशन और मेजर कमांड के अंदर, दोनों का काम वही चीज है, दोनों का काम मेजरमेंट करना ही है, बट बेसिकली डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि डायमेंशन के थ्रू परमानेंट डायमेंशन रहती है और मेजर कमांड के थ्रू आपके पास डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है और उसके बाद यहाँ पर स्टॉप किया जा सकता है। देखेंगे हम बेसिकली ऑटोकैड के थ्रू कि मेजर जो हमारे पास है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑटोकैड के हमारे पास जो विंडो के अंदर कहाँ पर देखने को मिलता है बेसिकली, और इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है उसको हम वन बाय वन देखने वाले। तो बेसिकली इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो MEA एंटर। क्लियर, चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो डायमेंशन है और एक हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेजर कमांड को यूज करने से पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर वहां पर आपको समझाया जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से हम मेजरमेंट को कमांड को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन की लेंथ को ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद मुझे सेकंड पॉइंट देना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 20 यहाँ पर सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की लाइन की लेंथ को बना लिया यहाँ पर। अब जरा देखिए, बात करें यहाँ पर, देखिए ये हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर की लाइन की लेंथ। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले डायमेंशन कमांड है। डायमेंशन कमांड के थ्रू भी आप इसकी डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, डायमेंशन कमांड और मेजर कमांड के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अभी। तो देखिए, डायमेंशन कमांड के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस लाइन की लेंथ को यहाँ पर मेजर करते जा रहा है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर इस लाइन की लेंथ को लिख दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या हो रही है, परमानेंटली शो हो चुकी है कि यहाँ पर ये जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर कितनी है, 20 सेंटीमीटर की है। क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं मेजर कमांड का टूल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, आपके पास जो ड्राइंग पैनल्स है, इस ड्राइंग पैनल्स के अंदर आपके पास जो मेजर कमांड था, जरा देखिए यहाँ पर डिवाइडेड कमांड के बाद क्या था, यहाँ पर मेजर कमांड था। तो मेजर कमांड के थ्रू क्या करते, आप उसे इक्वली पार्टीशन करते हैं। लेकिन ये वाला मेजर कमांड हमारे लिए, ये मेजर कमांड नहीं है बेसिकली, ये वाला मेजर कमांड क्या था, हमारे पास इक्वली पार्टीशन करने के लिए यूज हो रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ मेजरमेंट कमांड यूज होना चाहिए। तो ये आपको कहाँ मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास है यूनिट्स के अंदर। यस, यूटिलिटी के अंदर है। यूटिलिटी के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो इसके अंदर आपको दिख जाएगा मेजर कमांड। क्लियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर जा रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास मेजर कमांड दिख रहा है। मेजर कमांड के यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज आ गई। जैसे यहाँ पर है आपके पास
सबसे पहले डिस्टेंस मेजरमेंट करना, नेक्स्ट यहाँ पर है रेडियस मेजरमेंट करना, तीसरा है हमारे पास एंगल मेजरमेंट करना, फिर उसके बाद है एरिया और उसके बाद है वॉल्यूम। तो हम इसको वन बाय वन देखने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास जाना यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेजर कमांड को यूज करना है। मेजर कमांड को यूज करने के बाद वहाँ पर डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसको आप वैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर एरिया, एंगल एंड रेडियस एंड डायमेंशन, ये आपके 2D स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज होने वाले हैं। और वॉल्यूम के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम 3D को यूज करेंगे तब वहां पर हम वॉल्यूम को बहुत अच्छे ढंग से देख पाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे समझा दिया जाएगा कि वॉल्यूम को किस तरह से मेजर करना है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर किस तरह से इस कमांड को यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली देखिए आप यूटिलिटी के अंदर जाके भी आप मेजर कमांड को इनेबल कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो आपके पास शॉर्टकट है, यस शॉर्टकट के बाद बात करूं यहाँ पर तो ME, यस बात करें यहाँ पर शॉर्टकट के लिए, देखिए शॉर्टकट क्या यूज होने वाला है, MEA, यस MEA यूज करते ही आपके पास देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेजर, यहाँ पर मेजरमेंट कमांड यहाँ पर यूज हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे MEA एंटर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पर लिखा है मेजर, एंटर द ऑप्शन, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो आपके पास यहाँ पे क्रॉस ओवर था, क्रॉस ओवर के पास भी आपके पास पूछा जा रहा है डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जिससे जाएं इसे ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है यहाँ पर, तो मैं डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर दिया। डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर मैं इस फर्स्ट पॉइंट दूंगा यहाँ पर, उसके बाद देखिए आप कमांड में देखते रहिएगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट। देखिए मल्टीपल पॉइंट का बेसिकली यूज क्या है यहाँ पर कि आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं तो वहां पर आप किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो वहां पर हम मल्टीपल कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमें इन दोनों लाइन की लेंथ को मेजरमेंट करना है तो यहाँ पर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देना, तो स्पेसिफाई मैंने दे दिया है सेकंड पॉइंट। देखिए जैसे ही मैंने सेकंड पॉइंट दिया यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 20, यस। और आप जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कमांड विंडो के अंदर जाएंगे तो कमांड विंडो के अंदर जाते ही आपके पास क्या क्या नजर आ रहा है जरा उसको देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा गया है 20, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितनी है 20 है। अब बात करें यहाँ पर एंगल ऑफ द एक्स वाई प्लेन्स ऑफ जीरो, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम चला था वो एक्स वाई चला था, यूसीएस के जरा हमने देखा था यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के साथ ये जो आपके पास एंगल बना रहा है वो यहाँ पर कितना है 0 है। देखिए कमांड विंडो के अंदर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा एंगल फॉर्म द वाई एक्स वाई प्लेन्स ऑफ द इज इक्वल टू 0, ओके। अब जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। वाई के अंदर यहाँ पर 0 है और जेड के अंदर भी यहाँ पर 0 है। देखिए यहाँ पर यदि वर्टिकल लाइंस होती तो वाई के अंदर कुछ डिस्टेंस आती और यहाँ पर एक्स क्या हो जाता 0 हो जाता और जेड 0 हो जाता। यदि हम यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स बनाते तो यहाँ पर जेड की भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलती। बेसिकली आपको पता चल चुका होगा कि मेजर कमांड का यूज करके आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ला सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही मेरी जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो यहाँ पर चली जा चुकी है, रिमूव हो चुकी है यहाँ पर। क्लियर हो गया आपको, ओके। और यहाँ से इस कमांड से बाहर आ जाता है। देखिए बेसिकली हमने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, तो डिस्टेंस कमांड कहाँ से मिल रहा था हमें, एनोटेशन कमांड के अंदर मिल रहा था। तो बेसिकली वो क्या कर रहा था, परमानेंटली डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा था, लेकिन बट हमें यहाँ पर परमानेंटली मेजर नहीं करना है, हमें यहाँ पर बस एक टेम्परेली यूज के लिए करना है कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते हमें याद आ जाए कि हमें इसकी डिस्टेंस कितनी है वो पता करनी हो, यस। या फिर आप कोई स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, आप कोई मैपिंग बना रहे हैं, तो वहां पर आपके पास क्या हो रहा है, अचानक आपको याद आ रहा है कि आपकी वो जो लेंथ है प्रीवियस वाली वो हमने उतनी डिस्टेंस की कवर की है या नहीं की है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, मेजर टूल्स का यूज करके अभी हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको, तो चलते हैं हमारे देखिए दूसरा ऑप्शन कौन सा है उसके बाद में। देखिए हमारे पास देखिए सबसे पहले हमने लीनियर के डिस्टेंस को मेजरमेंट किया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस को डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी रेडियस को ले रहा हूँ, यस रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं इसकी लगभग 10 ले लेते हैं। क्लियर, तो 10 रेडियस का मैंने यहाँ पर आपके पास एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी रेडियस को निकालने जा रहा हूँ। बेसिकली किसके यूज करके, डायमेंशन टूल का यूज करके मैंने यहाँ पर इसकी रेडियस को निकाल दिया। क्लियर, ओके, ज्यादा बड़ा हो गया तो एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, छोटा सा सर्कल। क्लियर, तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और एंटर कर देता हूँ। क्लियर, ओके, अब जरा बात करते हैं इसकी रेडियस के बारे में। तो रेडियस के लिए इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर और इसको बाहर निकाल दिया, तो इसकी 3 रेडियस आ चुकी। क्लियर, 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ चुकी। अब चलते हैं मेजर कमांड के लिए, तो सिंपल सा MEA एंटर करना है। MEA एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछे जा रही है रेडियस, तो बेसिकली रेडियस के बारे में बात की जाए तो देखिए रेडियस के ऊपर क्लिक कर, रेडियस के ऊपर क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द आर्क और सर्कल। देखिए यहाँ पर आर्क की भी रेडियस हो सकती है आपके पास, या फिर आपके पास कोई सर्कल्स है उसकी भी रेडियस हो सकती है। तो बेसिकली बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सर्कल की, तो सर्कल की रेडियस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो रेडियस है वो यहाँ पर दिख चुकी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर चले तो कमांड विंडो के अंदर देखेंगे आपके पास जो जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास दिखा हुआ है सेलेक्ट द आर्क एंड सर्कल,
हमने जो सर्कल यहाँ पे या जो चूज किया है या फिर जो आर्क यूज की है हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है रेडियस इज इक्वल टू 3, ओके, यहाँ पर डायमीटर इज इक्वल टू 6। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, एक ही कमांड के थ्रू आप यहाँ पर रेडियस को भी डिटरमाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी डायमीटर को भी डिटरमाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर रेडियस को भी फाइंड आउट कर रहे हैं और रेडियस को भी और यहाँ पर डायमीटर को भी यहाँ पर इक्वली फाइंड आउट किया जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर इस कमांड का यूज किया जा रहा है। क्लियर, एंटरप्राइज करते हैं और इससे बाहर आ जाए। क्लियर, ओके, हमारे पास जो अगला कमांड है उसको जरा देखें यहाँ पर कि हम किस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट सेंटर एंड एंगल कमांड को यूज कर रहा हूँ। ओके, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, ओके, यहाँ पर मैं इसको सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद जरा बात करते हैं आर की, सॉरी यहाँ पर देखिए स्टार्ट सेंटर एंड एंगल दूसरी बात करते हैं यहाँ पर स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। ओके, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब जरा बात करते हैं आर की, तो F8 हटा देते हैं यहाँ से। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं कुछ आर्क लेंथ दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 50, ओके, और एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया, आर्क बन गया। इस आर्क की लेंथ को पता करना है मुझे, तो आर्क की लेंथ और एंगल मेजरमेंट करना है। तो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एंगल चूज करने पड़ेंगे, दो लाइन चूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये पॉइंट चूज किया और ये वाला पॉइंट चूज करके टाइम से, ओके। अब जरा देखिए इसके एंगल के बीच की बात करें यहाँ पर, तो एंगुलर डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट के बीच की, इस पॉइंट और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितनी आ रही है, 50 डिग्री। क्लियर, अब जरा बात करते हैं मेजर कमांड के तरह। देखिए मेजर कमांड के थ्रू यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, एमई एंटर भी कर सकते हैं। एंगल के लिए अंदर आ गए यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द आर्क या फिर सर्कल या फिर लाइन एंड स्पेसिफाई वर्टेक्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर सर्कल को चूज कर सकते हैं या फिर आप आर्क को चूज कर सकते हैं या फिर लाइन को चूज कर सकते हैं। देखिए लाइन के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं बेसिकली, तो हमने यहाँ पर देखिए अलाइन लाइंस को यूज किया था। यस, अलाइन लाइन को यहाँ पर डिस्कस किया था जब हमने ड्राइंग टूल्स को यूज किया था, लाइन टूल्स के अंदर लाइन कमांड को यूज किया था, तब हमने अलाइन लाइंस को यूज किया था। तो अलाइन लाइंस के थ्रू हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो लाइन थी वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ डिस्कस हो रही है, तो यहाँ पर हम उसको चूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट द आर्क कर रहा हूँ। आर्क को सेलेक्ट करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर आपके पास आर्क की जो यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस है, यस, वो यहाँ पर पता चल चुकी है कितनी है, यहाँ पर 50 डिग्री आ चुकी है। क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कमांड विंडो है, कमांड विंडो के अंदर देखिए बेसिकली यहाँ पर लिखा जा रहा है सेलेक्ट द आर सर्कल, जो भी है वो हमारे पास जो हमने ऑप्शन चूज किया वो यहाँ पर है। एंगल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 डिग्री आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर स्पेसिफाई। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आपके पास जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एंगल को किस तरह से मेजरमेंट कर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए एंटरप्राइज करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो यहाँ पर चली गई है। फिर से हमारे साथ पूछा जा रहा है कि क्या आपको यहाँ पर किसी और की आर्क लेंथ को पता करना है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस लाइन को चूज करता हूँ, यस, लाइन को चूज करने के बाद मैं एंटरप्राइज करता हूँ, स्पेसिफाई, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल चूज किया यहाँ पर, तो देखिए ये लाइन की लेंथ को चूज किया यहाँ पर, स्पेसिफाई सेकंड लाइन, सेकंड लाइन चूज करनी है तो सेकंड लाइन चूज किया, तो देखिए यहाँ पर एंगल मेजरमेंट आ गया यहाँ पर 50। क्लियर हो गया यहाँ पर लाइन को भी किस तरह चूज किया जा सकता है। तो आपके पास जो बेस लाइन है, बेस लाइन के साथ आपकी जो लाइन है वो कितने डिग्री का एंगल्स बना रही है वो यहाँ पर स्पेसिफाई। क्लियर, ओके, चले हमारे अगले कमांड के ऊपर, एरिया यहाँ पर किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक पहले यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। क्लियर, और उसके बाद फिर से उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले जाए। देखिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल को यहाँ पर डायमेंशन के थ्रू कराऊंगा, डायमेंशन के थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए रेक्टेंगल को जगह स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। क्लियर, तो स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10 × 10 का यहाँ पे हो चुका है। तो बेसिकली इसका एरिया कितना आने वाला है, तो इसका एरिया होगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर एरिया के बारे में। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर चलते हैं यूनिट में, मेजर के ऊपर क्लिक किया, एरिया के ऊपर क्लिक, एरिया के ऊपर क्लिक करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एड एरिया, सब्ट्रैक्ट एरिया एंड एग्जिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3-4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं देखिए बात करना चाहूंगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देखिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट का आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, पर्टिकुलर किसी भी रैंडमली बनाने जा रहे हैं, तो रैंडमली बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट देखिए भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसका एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम बात करेंगे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट की बात करेंगे, उससे एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एड ऑब्जेक्ट के बाद में भी बात करेंगे, एड एरिया के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, और सब्ट्रैक्ट एरिया के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, उसके बाद देखा है यहाँ पर नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, देखिए नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया, उसके बाद देखिए अगला जहां जहां तक मेरा एरिया कवर हो रहा है वहां वहां तक मैं इसको क्या करूंगा, कवर करूंगा। देखिए यहां तक मैंने क्या कर दिया है, इसको कवर अप कर लिया है, और कवर अप करने के बाद मैंने क्या किया है, एंटर प्रेस कर लिया, और उसके बाद करेंगे एरिया की, तो एरिया निकालेंगे यहाँ पर,
ओके okay? तो देखिए यहां पर एरिया की बात करें, देखिए तो देखिए यहां पर स्पेसिफाई नेक्स्ट ऑर्डर पॉइंट के बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ चुका है यहां पर 100 यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, प्लस यहां पर हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर पूछा गया, यहां पर दिया गया है पैरामीटर्स, यस पैरामीटर्स के बारे में बात भी की गई है, वो यहां पर कितनी दे रखी है 40 दे रखे, क्लियरली आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। बेसिकली हमने क्या यूज किया, देखिए यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद थर्ड कॉर्नर पॉइंट, जितने भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है उन सभी को यहां पर दे दिया। उस सभी को देने के बाद जरा देखिए यहां पर, तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, एरिया भी दिया जा रहा है प्लस यहां पर पैरामीटर भी दिया जा रहा है। पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज हो गई, उन सभी बाउंड्रीज को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, पैरामीटर। बेसिकली हमने इस चीज का यूज किया। अब जरा बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, क्या ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यहाँ पर एरिया निकाला जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर निकाला जा सकता है कि जैसे हमारे पास एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कैसे एरिया निकाल जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ एंटर करना पड़ेगा, ओ प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एरिया निकालना, तो बेसिकली मुझे इस एरिया, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर एरिया निकालना है, तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, तो देखिए प्रेस करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, एरिया इज इक्वल टू वापस दिखा रहा है 100 यहाँ पर, पैरामीटर यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, क्लियर। देखिए एक बार और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बनाया जा सकता है एरिया। तो देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर सर्कल के एरिया की, यस मैं बात करना चाहूंगा सर्कल के एरिया की, तो डिलीट कर देते हैं यहाँ पर, ओके आप बना लेते हैं सर्कल जिसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ओके और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया सर्कल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पर आप एरिया निकाल सकते हैं। बेसिकली बात करेंगे हम मेजर टूल्स के थ्रू से, तो यहाँ पर चलते हैं एरिया के लिए, एरिया के लिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर किया यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, एरिया इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 28.27 आ रहा है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आ रहा है। बेसिकली मैंने सेंटीमीटर यहाँ पर यूनिट को चूज कर रखा है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ पर सर्कमफेरेंस की, तो देखिए ए सर्कल का क्या होता है, यहाँ पर सर्कमफेरेंस होता है, तो सर्कमफेरेंस कितनी आ रही है यहाँ पर 18.85 आ रही है, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर एरिया निकाला जा सकता है, क्लियर। अब जरा बात करते हैं हमारे अगले ऑप्शन के बारे में, क्लियर। तो अगले ऑप्शन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ, तो हमने यहाँ पर क्या कर रहा है, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुके हैं, तो रेक्टेंगल को एक काम करते हैं प्योर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो अगला ऑप्शन है जो एरिया के अंदर उसको किस तरह से डिस्कस किया जाए। देखिए मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, उसके बाद ज्यादा बात करता है डायमेंशन की, तो डायमेंशन के लिए डी एंटर किया है, डी एंटर करने के बाद जब जरा बात करते हैं यहाँ पर इसकी, यहाँ पर डायमेंशन की, तो देखिए यहाँ 20 और 20x20 का यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 20x20 का रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब जरा बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है उसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, छोटे छोटे रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। जरा इसकी रेडियस लेते हैं यहाँ पर 2 एंटर कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है 2x2 का, ओके थोड़ा छोटा हो गया ज्यादा, एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पर 5x5 का कर लेते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, उसके बाद कर रहा हूँ 5 एंटर, यस तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अच्छा देखिए एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ड्रामान को यूज करके यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास बेसिकली डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमें, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया, डायमेंशन के लिए मैं डी एंटर कर दिया है यहाँ पर, उसके बाद 5 एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा 5x5 का हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एंटर प्रेस किया, यहाँ पर कॉपी कमांड से यूज किया, यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फर्स्ट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सीओ कॉपी यूज किया, कॉपी के लिए यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सेलेक्ट द यहाँ पर को यूज किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया और एंटर प्रेस, क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सारी डायमेंशन के थ्रू यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल तैयार हो चुका है। अब जरा बात करते हैं इसके एरिया के लिए, तो देखिए हमारे पास जो एरिया के अंदर जो अगला ऑप्शन था उसके बारे में डिस्कस करें, तो चलते हैं एरिया के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहुंच चुका हूँ यूटिलिटी के अंदर, यूटिलिटी के अंदर बात करूंगा एरिया के अंदर, तो एरिया के अंदर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एड एरिया। एड एरिया का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया कितना होने वाला है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एड एरिया कहलाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए उन सभी का यहाँ पर एरिया काउंटेबल हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एरिया, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर एड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया किस तरह से वर्क करता है, तो देखिए एड एरिया के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर जितनी भी आपके पास ड्रॉइंग है उस ड्रॉइंग का टोटली यहाँ पर क्या निकाला जा सकता है, एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है, क्लियर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एरिया। सब्ट्रैक्ट एरिया का मतलब क्या है कि आपने ये जो ड्राइंग बनाई है, इस ड्राइंग के अंदर ये जो 5x5 सेंटीमीटर के आपने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, आप उसके एरिया को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाहते, बेसिकली आप इन दोनों के एरिया को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट एरिया का यूज कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर एड एरिया की, तो सबसे पहले चलते हैं एड एरिया के अंदर, एड एरिया के बाद में चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेकंड कॉर्नर पॉइंट के थ्रू भी चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट,
और यहाँ पर चलते हैं फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सारा दे दिया है, उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर देखिए एंटरप्राइज करूंगा। यस, एंटरप्राइज करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो एरिया आ चुका है वो यहाँ पर कितना आ चुका है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। पैरामीटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कितना आ गई है, 80 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर देखिए बेसिकली पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो छोटे छोटे बॉक्स है उनका एरिया को यहाँ पर मुझे काउंटेबल नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली सब्ट्रैक्टेड एरिया का यूज करूंगा। तो देखिए सब्ट्रैक्टेड एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस एंटर करना पड़ेगा। एस प्रेस करते ही यहाँ पर पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट, या फिर बात की जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं, उसके बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट, थर्ड कॉर्नर पॉइंट और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, यस, उसके यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का जो एरिया था उसमें से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास एरिया क्या हो चुका है, लेस हो चुका है। क्लियर हो चुका है आप यहाँ पर। अब जरा बात करें ऐड एरिया के, उसके बाद बात करेंगे सब्ट्रैक्टेड एरिया की। सब्ट्रैक्टेड एरिया की बात करनी है तो ये भी मुझे सब्ट्रैक्टेड करना है। देखिए यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, इसको प्रेस कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने चूज किया, अब जरा देखिए यहाँ पर मेरा एंटर प्रेस करते यहाँ पर देखिए और यहाँ पर एरिया क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्टेड हो चुका है। बेसिकली बात कर जाए तो देखिए यहाँ पर जो टोटल एरिया था पहले कितना था, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर था। क्लियर। हमने क्या किया, 5-5 सेंटीमीटर के यहाँ पर क्या किया, छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए। छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने के बाद देखिए 5 का एरिया कितना हो गया यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर बॉक्सेस का एरिया कितना हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली बात कर जाए 5 × 5 = 25। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी 5 × 5 कितना होगा, 25। तो 25 और 25 यहाँ पर क्या है, टोटली 50। तो देखिए बेसिकली जो हमारे पास जो ग्रीनेस्ट एरिया है, जितना भी पार्टीशन है उसका जो एरिया है यहाँ पर कितना हो चुका है, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर किस लिए यूज करता है, एड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया, कि आपके पास जितना भी एरिया है, यस, आपके पास जितना भी एरिया है उसमें से कोई पर्टिकुलर एरिया को हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर देखिए आपके पास टोटल एरिया को यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड एरिया का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का एरिया टोटली निकल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, एक पर्टिकुलरली यहाँ पर सेगमेंट के अंदर से हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेस करके जो पार्टिकुलरली बच जाता है एरिया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ऐड एरिया और सब्ट्रैक्टेड एरिया का यूज करते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कैसे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला ऑप्शन है उसको जरा देखिए यहाँ पर, तो इसको सब को डिलीट कर देते हैं। क्लियर, ओके। अब जरा है हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर हमारे पास है वॉल्यूम का। तो कैसे वॉल्यूम को मेजरमेंट कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 3D के अंदर चलना पड़ेगा। तो चलते हैं 3D के अंदर और फिर उसको समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए 3D मॉडलिंग में हम पहुंच चुके हैं। 3D मॉडलिंग में पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, एक बॉक्स ले रहा हूँ। यस, एक काम करते हैं पहले यहाँ पर 3D मॉडलिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3D मॉडलिंग को स्टार्ट कर चुके हैं और चलते हैं यहाँ पर देखिए के ऊपर, साइन के ऊपर। देखिए कैसे हो रहा है, हम इसको देखेंगे जब हम 3D मॉडलिंग को बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, तब हम उसे बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है और यहाँ पे कौन कौन सी चीजों को किस तरह से यूज किया जा सकता है। बेसिकली अभी अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एरिया के फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले। तो देखेंगे यहाँ पर बॉक्स का एरिया की, क्लियर, बॉक्स के एरिया को देखेंगे और उसके बाद में देखते रहेंगे हमारे पास जितने भी बाकी के जो बच गए एरिया है वो हम यहाँ पर देखते रहेंगे जब हम यहाँ पर 3D को यूज करेंगे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, उसके बाद जरा बात करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए और बॉक्स दिया है हमने, बॉक्स लेने के बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और उसके बाद पूछा जा रहा है सेकंड कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस ऑब्जेक्ट का मुझे निकालना है एरिया, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक 3D बॉक्स है, इस 3D बॉक्स का मुझे निकालना है वॉल्यूम। बेसिकली 3D बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, तो 3D बॉक्स के वॉल्यूम के लिए ऊपर चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ME एंटर है, MEA एंटर प्रेस किया है यहाँ पर, तो मेजरमेंट टूल्स आ चुका है। मेजरमेंट टूल्स के बाद क्लिक किया है यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम के बारे में क्लिक हो चुका है। उसके बाद दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, तो हम बेसिकली ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के क्लिक्स का यूज करके यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चूज किया यहाँ पर। जैसे ही मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास नीचे कमांड विंडो के अंदर। देखेंगे आप यहाँ पर, तो कमांड विंडो के अंदर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ चुका है 99.19। क्लियर हो गया यहाँ पर कि हम किस तरह से वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हम यहाँ पर कोई भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये यूज किया यहाँ पर सिलेंडर का, यस, या फिर एक काम करते हैं कॉर्न ले लेते हैं। क्लियर, देखिए कॉर्न का यूज किया यहाँ पर, तो कॉर्न के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बेस देना है, तो ये मैंने बेस दिया है ऊपर। इसके बाद में एंगल की बात की गई है, तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, 3D कॉर्न बन चुका है। यस, 3D कॉर्न बन चुका है। किस तरह से बन रहा है, जब हम ये 3D के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा आपके पास। अब चलते हैं यहाँ पर इसके एरिया के लिए, तो ME एंटर किया यहाँ पर, ME एंटर प्रेस करने के बाद जब बात करते हैं वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के बाद में बात कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो O एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। यस, O एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को चूज करना है, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट को चूज कर लिया। तो ऑब्जेक्ट को चूज करने के बाद देखिए वॉल्यूम यहाँ पर आ चुका है 18.21 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ चुका। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वॉल्यूम को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली वॉल्यूम हमारे लिए किस तरह वर्क करता है, केवल और केवल हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट होता है वहीं पर हमारा ये वॉल्यूम काम करता है। ओके, तो आपको समझ में आ चुका होगा बेसिकली कि किस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चलते हैं वहाँ पर डेफ्टिंग एनिमेशंस में और यहाँ पर टॉप के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जो व्यू है उसको रियलिस्टिक को हटा के
हमारे पास 2D वेव फॉर्म में कर दिया, क्लियर। और 2D वेव फॉर्म में हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरह से मेजर कमांड का यूज करके, मेजर टूल्स का यूज करके यहाँ पर किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस, सर्कल्स, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिकली ये आपको कहाँ मिलने वाला है, यूटिलिटी के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको मेजर मिल जाता है। देखिए मेजर कमांड का बेसिकली आप यूज समझ चुके होंगे कि आपके पास कोई वर्क चल रहा है, जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हमें बीच में पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी ली, हमने प्रीवियसली डिस्टेंस कितनी ली, हम भूल चुके हैं डिस्टेंस के बारे में, तो मेजर कमांड का यूज कर सकते हैं। डायमेंशन कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी जो डायमेंशन है वो परमानेंटली रहने वाली। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि हम मेजर कमांड का यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए मेजर कमांड यहाँ पर दो टाइप के हैं, पहला आपने डिवाइड कमांड के अंदर यूज किया था, यस, ड्राइंग टूल्स के अंदर यूज किया था। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए बात करूंगा, तो सबसे पहले हमने ड्राइंग टूल्स के अंदर यूज किया था, यहाँ पर मेजर टूल किया, डिवाइड के पास यूज किया था मेजर का, तो वो क्या कर रहा था, वहां पर पर्टिकुलर ब्रेक करने के लिए काम आ रहा था। और ये वाला जो मेजर टूल्स है ये आपके लिए कहाँ पे यूज आने वाला है बेसिकली, तो ये आपके लिए यूज आने वाला है बेसिकली मेजरमेंट के लिए, यस, किसी भी लाइन की यहाँ पर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, डायमेंशन देने के लिए यहाँ पर यूज, क्लियर। आपको समझ में आ चुका होगा कि मेजर कमांड कहाँ से मिलता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।